कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक खास मच्छर के लार्वे ही पिचर प्लांट की एक विशेष किस्म में पाए जाते हैं। 150 साल पहले जिन खोजियों ने इस पौधे का पहली बार पता लगाया था, उनके मुताबिक उन्हें इसके अंदर एक मरा हुआ चूहा भी मिला था। बोर्नियो के दलदली जंगलों के बीच सिर उठाए खड़ा है मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किनाबालू। यहाँ के पौधे जिंदा रहने के हजारों गुर सीख चुके हैं। यहाँ 6000 किस्म के पौधे उगते हैं, जो कि पूरे मलेशिया में पाए जाने वाले तमाम पौधों के आधे हैं। पिचर प्लांट उनमें सबसे अनोखा होता है। अपनी खुराक पाने के लिए इन पौधों ने नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इनके मीठे रस की भीनी भीनी खुशबू से आकर्षित होकर एक मक्खी उसके बाहरी किनारे पर मौत से खिलवाड़ कर रही है। कुछ ही सेंटीमीटर नीचे एक खतरनाक तरल मौजूद है, ऐसे पाचक एंजाइम से भरपूर तरल जिसमें गिरने वाले किसी भी बदकिस्मत कीड़े का शरीर गल जाता है। पौधे का खांचेदार सिरा इस तरह का होता है जिस पर से कीड़े फिसल जाते हैं, लेकिन मक्खी समय रहते उड़ने में कामयाब रहती है। मगर ये पतंगा उतना भाग्यशाली नहीं था। लेकिन पिचर प्लांट सबके लिए मौत का कुआं साबित नहीं होते। वक्त के साथ पिचर्स में भरा तरल बारिश के पानी से पतला हो जाता है और उसमें मिज और मक्खियों के लार्वे पनपने लगते हैं। लेकिन इन मुफ्त खोरों को भी बदले में कुछ करना पड़ता है। वो पौधों के शिकारों को गलाने में मदद करते हैं और बैक्टीरिया को दूर रखते हैं। कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक खास मच्छर के लार्वे ही पिचर प्लांट की एक विशेष किस्म में पाए जाते हैं। 150 साल पहले जिन खोजियों ने इस पौधे का पहली बार पता लगाया था, उनके मुताबिक उन्हें इसके अंदर एक मरा हुआ चूहा भी मिला था। लेकिन इस ट्री शुरू के फुर्तीले पंजों की गिरफ्त ना सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि अपने सही आकार की वजह से ये पिचर की बोल में गिरे बिना आराम से उस पर टिक सकती है। ये इस पौधे को छकाने में कामयाब रही और एक बार में उसका सारा मीठा रस चट कर गई।